तो देखो हमने जहाँ लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, या ये थोड़ा सा बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इस कंपैरिजन ऑफ रैंक्स में जो इसमें है, जैसे आपको दो लोग दिए होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग दिए होंगे, और उनमें किसी तरीके का कंपैरिजन करना होगा। कैसा कंपैरिजन? मार्क्स का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है। वो एक सेंटेंस लिखेगा और आपको सेंटेंस के बेसिस पे एक हायरार्की ड्रॉ करनी है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, या सबसे ज्यादा वेट किसका है, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, कौन लाइन में आगे खड़ा है, कौन पीछे खड़ा है, ऐसे। तो इसमें दो कैटेगरीज हमें दिख सकती हैं। यहाँ है इन एन एग्जामिनेशन अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित। तो इससे आपको पहले एक स्टेटमेंट मिली, इस एक स्टेटमेंट से आप जो चीज ड्रॉ कर सकते हो, जो कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, पहले वो लिखो। अमित स्कोर्स मोर देन अमन, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि अमित के मार्क्स ज्यादा हैं अमन से, ठीक है। अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित, अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित। तो रोहित के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, रोहित के अमित से भी ज्यादा मार्क्स हैं, तो रोहित सबसे पहले आ गया। यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि अगर अमित के अमन से ज्यादा मार्क्स हैं और रोहित के अमित से ज्यादा मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली रोहित के अमन से भी ज्यादा मार्क्स होंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित एंड लेस देन गीता। सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित। अब आप इसको भी नीचे, ये फर्स्ट हमने स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ करी इसको लिखो, और सेकंड में क्या है, सेकंड में है सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित। तो सुधा, इसके मार्क्स हैं रोहित से ज्यादा, ठीक है, एंड लेस देन गीता। तो गीता सुधा से भी पहले आ जाएगी। अब इसी में गीता, और यहाँ पर गीता पहले आ जाएगी क्योंकि गीता के मार्क्स सुधा से भी ज्यादा है। अब अगर मुझे इन दोनों को एक साथ करना है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे हो जाएगा, सबसे पहले गीता, उसके बाद सुधा, उसके बाद रोहित, उसके बाद अमित, और लास्ट में अमन। मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को लिखा जो मुझे क्वेश्चन में दी थी, और फिर मैंने उन्हें ज्वाइन कर दिया, सिर्फ इतना सा काम किया मैंने। और ये ज्वाइन कहाँ से हुआ है, रोहित से। यहाँ रोहित के सबसे ज्यादा थे, इस वाली चेन में रोहित के सबसे कम है, तो मैंने दोनों स्टेटमेंट्स को रोहित वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये फिक्स्ड रैंकिंग है, मेरे को सबका रैंक पता है फिक्स कि किसके किससे ज्यादा है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमारी ये बनी, दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये बनी, और फिर फाइनल रिजल्ट हमने सबको ज्वाइन कर दिया। हमने एग्जैक्टली ऐसे ही करा है, हमारा आंसर यही आया फाइनली। ये इसमें यही करना है, पर इसमें एक केस और होता है जो थोड़ा सा इससे टफ हो जाता है। देखो, इन एन एग्जामिनेशन अमित स्कोर्स मोर देन अमन एंड लेस देन रोहित, ठीक है, रोहित अमित अमन, ये सेम लाइन जहां पीछे से थी वही लिया हमने। सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित एंड गीता स्कोर्स मोर देन रोहित, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ लिखा है सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित, तो सुधा के रोहित से ज्यादा मार्क्स हैं, एंड गीता स्कोर्स मोर देन रोहित। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है कि सुधा और गीता में से किसके मार्क्स ज्यादा हैं। मुझे पता है कि सुधा के मार्क्स रोहित से ज्यादा हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सुधा के मार्क्स रोहित से ज्यादा है, और उसके बाद लिखा है गीता के मार्क्स भी रोहित से ज्यादा है। तो गीता और सुधा के मार्क्स रोहित से ज्यादा है, पर इन दोनों में से किसके ज्यादा मार्क्स है हमें ये नहीं पता चल पाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए और फिर वो आपसे पूछे हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। इसका आंसर डिपेंड करेगा आपके एमसीक्यूज में क्या है। अगर आपके एमसीक्यूज में ऐसा ऑप्शन है गीता और सुधा, आप वो सिलेक्ट करोगे। अगर आपके एमसीक्यूज में इंडिविजुअल नेम्स लिखे हैं तो फिर एक ऑप्शन भी होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उस केस में हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिलेक्ट करेंगे। ये है वेरिएबल रैंकिंग। वेरिएबल रैंकिंग मतलब एक प्लेस पे डाउट क्रिएट होता है कि इस प्लेस पर एग्जैक्टली आना किसको है, वो हमें इन दोनों में से किसके ज्यादा मार्क्स हैं ये बताता ही नहीं है। तो हम ये कंक्लूजन खुद से ड्रॉ भी नहीं कर सकते कि किसके ज्यादा मार्क्स हैं। यश, पूछना है कुछ? यस सर, मतलब अगर आप बता रहे हो कि गीता और सुधा लिखा हो तो हम वो चूज करेंगे, पर सर इनमें से एक ही नाम लिखा हो ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर अगर अच्छा अगर एमसीक्यू में इनमें से सिर्फ एक ही नाम है, देखो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो आपका आंसर गलत हो रहा है। फिर अगर एक ही लिखा है तो फिर एक ही सिलेक्ट कर दो, पर चांसेस बहुत कम है। चांसेस हैं कि लिखा होगा गीता और सुधा, या होगा कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इनमें से कुछ एक होगा। पर हाँ, अगर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, अगर ऑप्शन ही ऐसा है कि सबके नाम लिखे हैं और सुधा गीता में से सिर्फ एक नाम लिखा है और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का ऑप्शन भी नहीं है, फिर आप एक नाम सेलेक्ट करोगे। तो ये एमसीक्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसी चॉइस दी है। पर पॉइंट सिर्फ सीखने वाला ये है, यहाँ पर आप खुद से रैंकिंग में गीता और सुधा को आगे या पीछे नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया तो हम कर भी नहीं सकते। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि पहले सुधा के बारे में लिखा गया सुधा स्कोर्स मोर देन रोहित, और फिर गीता के बारे में लिखा है कि गीता ऑल्सो स्कोर्स मोर देन रोहित, तो आप सुधा को आगे रख दो और गीता को पीछे कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना है हमने। जो क्वेश्चन जितनी इन्फॉर्मेशन देता है, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए ही हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अपनी तरफ से हम कुछ भी इसमें प्रिजम्पशन नहीं डाल सकते। ये चीज बस समझने वाली है। बाकी आंसर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर एमसीक्यूज। जो आपको एमसीक्यूज वहां लिखे हुए हैं उसमें से बेस्ट सूटेड एमसीक्यू क्या है उस पे डिपेंड करेगा आंसर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट है प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। तो आपको जैसे जैसे चीजें दी गई हैं आप पहले उसको लिख लो, सारी स्टेटमेंट्स लिख लो। प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, तो प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, ये फर्स्ट। ठीक है, यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, तो मंजू के ज्यादा है। राहुल scored more than यमुना। और लास्ट में मंजू scored less than दिव्या। किसी को डाउट है कुछ? देखो अभी हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं कि एक एक चीज लिख रहे हैं। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी फिर हम इतने सारे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मतलब हम सीख जाएंगे तो इसका तरीका छोटा हो जाएगा फिर। पर थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में दिमाग चलना चाहिए कि करना कैसे है, इसलिए हम एक एक चीज लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से आप क्या क्या ज्वाइन कर सकते हो। प्रीति के राहुल से ज्यादा मार्क्स है। अब राहुल का कुछ और आपको चेन में दिखता है, आपको दिखता है राहुल यहाँ पे भी है, तो राहुल से आप यमुना भी ज्वाइन कर सकते हो कि यमुना राहुल के पीछे आएगी। आप इसको ऐसे लिखो, ये प्रीति है, ये राहुल है, ये मैंने ये वाली स्टेटमेंट ली, और राहुल से कम मार्क्स है यमुना के, तो यमुना को यहाँ पर कर दो। अब आपको कहीं पर यमुना और दिखती है, हमने ये स्टेटमेंट यूज कर ली और ये स्टेटमेंट यूज कर ली, आपको यमुना यहाँ पर भी दिखती है। यमुना के मार्क्स दिव्या के बराबर है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल सकते हैं हम। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी यूज हो गई। क्या आपको दिव्या कहीं और दिखती है? इसमें आपको दिव्या इस स्टेटमेंट में दिखती है। दिव्या से कम मार्क्स है मंजू के, तो यहाँ इसके पीछे मंजू। हमने इतने सारे प्लॉट्स कर लिए, अब बचा क्या? मंजू और लोकिता। लोकिता के मार्क्स सबसे कम है, लोकिता के मार्क्स मंजू से भी कम है, तो वो लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, हमारी पूरी चेन पहले हमने इंडिविजुअली सारे लिख लिए फिर हमने इनको ज्वाइन कर लिया, तो पूरी चेन क्या बनी? ऐसे कुछ बनी, हम एक एक बस ज्वाइन करते गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? हु स्कोर्ड द लोएस्ट। हमारे पास लोएस्ट मार्क्स किसके आए हैं? लोकिता के। इसका आंसर क्या है? सी, आंसर सी, लोकिता। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि ये क्वेश्चन कैसे किया हमने। बताओ, ये सबको समझ आया ये कैसे किया? yes, प्रियंका, तनिष्क, आपको समझ आ गया? ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जो स्टेटमेंट में डेटा दिया है उसको आप लिखते जाओ और बाद में बस उन्हें ज्वाइन कर लो कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं किसके कम हैं। आपने साइंस तो लिखे हुए हैं, उस हिसाब से बस उसे ज्वाइन कर दो। अब करेंगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ठीक है? अभी मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, आप ले लो 2-3 मिनट्स ले लो। अमंग 5 बॉयज इसको करो। ये क्वेश्चन कैसे करना है? खुद से ट्राई करो, लास्ट में मैं तो बता ही दूंगा, पर आप आंसर निकालने की कोशिश करो क्या आंसर आता है। सर राजू, राजू बाकी भी सब आंसर कर दो, फिर मैं आंसर दिखा दूंगा क्या है। राजू ये सर, राजू राजू ये सर। तनिष, प्रियंका आप दोनों से हुआ? और देखो इस चीज से टेंशन मत लो कि ये लोग पहले आंसर दे रहे हैं, ये ना कर चुके हैं तो इनको इसीलिए आता है। एक बार आप कर लोगे और ये प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, एक बार तुम भी कर लोगे तुम्हें भी आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली जिसने पहले किया हुआ है तुमसे तो जल्दी कर सकता है ना वो। आंसर राजू है। एक बार मैं दिखा दूं, आंसर ए है राजू। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे। Among 5 boys, Vasant is taller than Manohar. तो Vasant taller है मनोहर से, but not as tall as Raju. इस लाइन का मतलब क्या है? Vasant is taller than Manohar, but not as tall as Raju. इसका कोई मतलब समझा सकता है मेरे को? What does राजू लंबा है सर वसंत। हाँ, जो वसंत है वो मनोहर से तो लंबा है पर राजू के जितना लंबा नहीं है, तो इट मींस कि राजू उससे भी ज्यादा टॉल है। ठीक है। जयंत इज टॉलर देन दत्ता। अब इन इधर से तो किसी का लेना देना नहीं ना, तो इसको अलग से प्लॉट कर लो। जयंत is taller than Datta but shorter than Manohar, but shorter than Manohar तो मतलब मनोहर इससे ज्यादा टॉल है। अब बहुत इजी है ज्वाइन करना। ये कहाँ से ज्वाइन होंगे? मनोहर से। ये जयंत और दत्ता मनोहर के बाद आएंगे क्योंकि ये मनोहर से कम शॉर्टर है हाइट में, तो यहाँ जयंत, यहाँ पर दत्ता, ये हमारी पूरी चेन बन गई। क्वेश्चन में पूछा गया हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, राजू इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो आंसर ए हो गया। ठीक है, सिंपल ही था। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम। ए बी सी डी एंड ई, ये 5 लोग हैं। देखो टी इज ई इज टॉलर देन डी बट नॉट एज फैट एज डी, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ हाइट का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाइट और वेट दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको दोनों के जो भी आपको डेटा मिल रहा है अलग अलग लिखने पड़ेंगे। एक हाइट का लिखना पड़ेगा और उसके साथ साथ एक वेट का भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर सारे हाइट वाले लिख दूंगा, और इस जगह में वेट से रिलेटेड जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर ई डी से टॉलर है तो फैटर भी होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो हमें दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ई इज टॉलर देन डी, ये हाइट से रिलेटेड बात है, तो यहाँ पे ई इज टॉलर देन डी ये मैंने लिख दिया, बट नॉट एज फैट एज डी, तो E जो है वो D से हाइट में तो बड़ा है पर उसके जितना फैट नहीं है, तो जब वेट की बात की जाएगी तो D is fatter than E। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें। C is taller than A but shorter than B, C is taller than A. So C is taller than A but shorter than B. So B उससे ज़्यादा tall है. A is fatter than D. A जो है वो fat है D से but not as fat as B. तो B इससे भी ज़्यादा fat है. ठीक है. E is thinner than C. E is thinner than C. मतलब C फैट है E से. ठीक है. E is thinner than C तो मतलब E पतला है और C मोटा है. Who is thinner than D? इसका क्या मतलब है सर? C D से थिनर है. हाँ, यहाँ पर जो C है वो D से थिनर है तो D सबसे पहले आ जाएगा इस इक्वेशन में. ठीक है. वैसे तो हमारे पास ये इक्वेशन पहले भी थी ही, इसके बीच में बस C आ गया. अब देखो जहां तक बात वेट की, और ये लास्ट में लिखा हुआ है E is shorter than A तो इसको भी लिख देते हैं. जो A है वो टॉल है E से. पहले मुझे ये बताओ हमने जो ये स्टेटमेंट्स लिखी ये सबको समझ में आ गई? यस सर. ये इम्पोर्टेंट है समझना. He is the most thin person. हाँ, बस अब इन्हें ज्वाइन करना है ताकि एक साथ ये आ जाए. देखो D E और D C E ये तो खैर आपस में हो ही गई. पहले इसको अरेंज बस कैसे करना है. D जो है और C E पीछे आ जाएंगे तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट के पीछे ये वाली स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी. B A D C E ये वेट के लिए हो गया और हाइट के लिए क्या हो गया? B C A E हो जाएगा. B C A के पीछे E आ जाएगा और E के पीछे D आ जाएगा. सारी स्टेटमेंट्स ज्वाइन हो गई. ये हाइट का ऑर्डर हो गया और ये वेट का ऑर्डर हो गया. अब हु इज द मोस्ट थिन पर्सन? सबसे ज्यादा थिन कौन है? ये वेट का ऑर्डर ये चल रहा है. सबसे ज्यादा आंसर D आया. D मतलब ऑप्शन क्या है? E. E है सबसे थिन पर्सन. ठीक है. और आंसर ना यहाँ लिखा हुआ है वो, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया शायद इसलिए थोड़ा सा छुप गया. ये लिखा हुआ है ऑप्शन डी है आंसर और डी क्या है हमारा? ई. नेक्स्ट पे आते हैं. हु इज द बिग जायंट अमंग्स द लॉट? इनमें से बिग जायंट कौन है? बी सर. बी आंसर बी. ठीक है. इफ ऑल द पर्सन्स स्टूड इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट who would be in the middle? A. ये जब हाइट में खड़े होते हैं तो मिडिल में कौन आता है? मिडिल में A है तो इसका आंसर A आ जाएगा. Which person is taller than 2 but thinner than the remaining 2? देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है. वो पूछ रहा है ऐसा कोई पर्सन है जो कि 2 से ज्यादा टॉल है और जो बच जाएंगे 2 उन 2 से थिन है. ये आपको देखना है ऐसा आदमी जो किन्हीं 2 से ज्यादा टॉल है और बाकी 2 जो 2 रह जाएंगे 5 है ना. एक आदमी जो 2 से टॉल है और जो बाकी 2 बच गए उनसे ज्यादा थिन है. ये थोड़ा सा ज्यादा सोचने वाला है. अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा. एक एक करके देख लो सभी का. ऐसा कौन है जो सिर्फ 2 से ही टॉल है और बचे हुए 2 से ज्यादा थिन है? थिन था फैट था? थिन है. बाकी 2 से ज्यादा थिन है. इनमें से देखो अगर बी देखें. बी तो हो नहीं सकता क्योंकि बी हमारा जो है ये 3 से ज्यादा ई होगा सर. ई ये 4 से ज्यादा हमारा टॉल है तो ये नहीं हो सकता. ई 2 से ज्यादा टॉल है. ई तो सिर्फ डी से ज्यादा टॉलर है. सोचो कैसे करोगे. ऐसा तो आएगा ही नहीं. सी आंसर. सी इज टॉलर. हाँ सी है. सी इज टॉलर देन ए एंड ई एंड थिनर देन द अदर टू बी एंड डी. जो हमारा सी है सी इज टॉलर देन ए एंड ई और बच अब कौन गया? बी. सी इनसे ज्यादा थिन है सी सी ही एक ऐसा बंदा है जो दो से टॉल है और बचे हुए दो से थिन भी वाली कैटेगरी में भी आता है और कोई नहीं। अगर आप जैसे डी का देखने की कोशिश करो तो डी तो किसी से भी ज्यादा टॉल नहीं है, तो ये तो पहली स्टेटमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहा। ई भी नहीं हो सकता क्योंकि ई सिर्फ डी से टॉल है। जो बंदा हमने सिलेक्ट करना है वो दो से ज्यादा टॉल होना चाहिए और बचे हुए दो से थिन, तो ये दोनों तो इस कैटेगरी में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये किन्हीं भी दो से ज्यादा टॉल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो, दूसरी कंडीशन ये है कि वो दो लोगों से थिन भी होना चाहिए, तो बी और ए भी नहीं हो सकते क्योंकि बी सबसे ज्यादा फैटेस्ट है और ए सिर्फ बी से ज्यादा थिन है। किन्हीं दो लोगों से ज्यादा थिनर नहीं है, सिर्फ बी से थिन है, तो ये भी नहीं हो सकते। अगर ई नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी और ए भी नहीं हो सकता, तो फिर सिर्फ सी बचा। अब सी पे देखो क्या है, सी जो है हमारा वो ए और ई इन दोनों से ज्यादा टॉलर है। अगर ये ए और ई से टॉलर है तो फिर दूसरी कंडीशन थी जो दो बच गए उनसे ज्यादा थिन भी होना चाहिए। बच कौन गया? बी और डी। क्या ये बी और डी से थिन है? हाँ, तो सिर्फ सी ही है जो ये कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, ये समझ आ गया। ये इस पार्ट में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही ये थर्ड पार्ट है। इसमें सारे क्वेश्चन आसान है, एक बार आंसर निकाल लिया तो सीधे सीधे हैं, पर ये वाली कैटेगरी ये थोड़ा सा टफ है जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जिस चीज में। या तो आप एक एक करके देख लो सबके में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, या आप सीधा फिर ऐसे ही देखो जो आपने हायरार्की बनाई है। इस हायरार्की में ये दोनों तो नहीं हो सकते, एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये दो से ज्यादा टॉल है ही नहीं, और ये दो भी नहीं हो सकते क्योंकि ये दो किन्हीं दो से ज्यादा थिन भी नहीं है, तो बचता ही सिर्फ सी है। फिर सी पे अप्लाई करके देख लो, कोई एक तो होगा, क्योंकि अगर कोई भी ना होता तो यहाँ पर एक कैटेगरी होती कि नॉट पॉसिबल या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ ऐसा होता, पर जब उसने सब में सिर्फ नाम ही लिखे हैं तो कोई एक तो फॉर श्योर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला आपको मिल रहा है, ये वाला आप अभी खुद से ट्राई करो, या अभी आई डोंट नो ये वाला आप कर पाओगे या नहीं। अगर मैं आपको कोई नेक्स्ट दूं, आप यही वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो अभी। अब इसमें भी हमारे पास दो कंपैरिजन्स एक साथ बनेंगे, हाइट का और एज का। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है द एज एंड हाइट ऑफ 6 चिल्ड्रन इन अ क्लास आर एज फॉलोज। तो दो कंपैरिजन्स ड्रॉ करो, एक एज का बनाओ और एक हाइट का बनाओ, अलग अलग। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली आप दो कंपैरिजन्स बना रहे हो, तो कोई बात नहीं, टाइम ले लो। और एक और चीज, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, आपको बहुत सिंपल नहीं आने वाले, थोड़ा सा टफ ही आएगा। क्या हुआ, किसी से भी नहीं बना? तो नहीं, चलो अब ज्यादा टाइम ले रहे हो तुम सब, इतना टाइम नहीं मिलेगा इसको करने के लिए। बन गया सर, बन गया जी। अभी देखते हैं कि क्या बना। चलो अब करते हैं, जिससे नहीं हुआ उसको थोड़ा सा ना स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आप इसमें इतना टाइम देखो, ये मत सोचना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक एमसीक्यू नहीं आएगा, इसके कई आएंगे। जैसे इसमें देखो, अगर जैसे एक आएगा हु इज द टॉलेस्ट, कुछ भी आ सकता है, पर ऐसे क्वेश्चन में जहां इतना टाइम लगता है वहां सिर्फ एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां आपको क्वेश्चन भी फिर इससे रिलेटेड 3-4 आएंगे। तो इट इज वर्थ द टाइम, पर इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको 2 कंपैरिजंस बनाने हैं, एक एज का एक हाइट का। मैं यहाँ पर एज लिख दूंगा, पहले मैं हाइट लिख देता हूँ इधर, और इस साइड पर मैं एज लिख दूंगा। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उससे हमें जो डेटा मिलता है उसे लिखेंगे और स्टेटमेंट को टिक कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने टिक कर दिया। अब देखो, टिक करना इसलिए भी कभी कभी जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना उस टाइम पे वो स्टेटमेंट का क्या मतलब बन रहा है मिलेगा नहीं। कभी कभी पहले 4th स्टेटमेंट ज्यादा रेलेवेंट है और 2nd का रेलेवेंस 4th पढ़ने के बाद समझ आता है, तो इसलिए टिक करना जरूरी है कि अच्छा ये वाली हमसे हो गई है या ये वाली अभी छोड़ी है। Amit is taller and older than Tanu. Amit is taller than Tanu. So Amit, Tanu, ये height की बात हुई, and Amit is taller and older. तो Amit की age भी ज़्यादा है. तो Amit, Tanu, ठीक. But शॉर्टर एंड यंगर देन श्रुति। तो जो अमित है वो श्रुति से हाइट में भी छोटा है और एज में भी छोटा है, तो श्रुति यहाँ पहले आ जाएगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम ही बना, हाइट वाला और एज वाला, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो हमने ये वाली स्टेटमेंट को लिख लिया, इससे सारा डेटा जो मिल सकता था लिख लिया। भरत इज टॉलर देन चंदर। भरत इज टॉलर देन चंदर। तो भरत मैं ना शॉर्ट फॉर्म्स लिख देता हूँ, अगर अल्फाबेट सेम हुआ तो मैं नाम पूरा लिख दूंगा, वरना मैं ना शॉर्ट में लिख देता हूँ। भरत इज टॉलर देन चंदर। तो भरत को टॉल कर देते हैं चंदर से। अब हु इज नॉट एज टॉल एज तनु, ये किसकी बात कर रहा है, कौन हो, भरत या चंदर? सर चंदर, ये चंदर की बात हो रही है यहाँ। चंदर इज नॉट एज टॉल एज तनु, तो तन्नू सबसे पीछे, ठीक है। सर तनु पहले नहीं आएगी, who is not tall as तनु। भरत is taller than चंदर, who is not, हाँ तो ठीक है, तन्नू पहले आएगी। मैंने बीच में स्पेस नहीं छोड़ा, मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, हमें भरत के बारे में नहीं पता चलता कि भरत और तन्नू में से कौन, यही चीज है वेरिएबल रैंकिंग की। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, क्वेश्चन आपको कहता है भरत इज टॉलर देन चंदर, ठीक है। तो ठीक है, भरत इज टॉलर देन चंदर, ये तो बात बहुत इजीली मेरे को समझ आ गई, पर वो ये भी बोलता है चंदर इज नॉट एज टॉल एज तन्नू, तो तन्नू भी चंदर से ज्यादा टॉल है। बट भरत और तन्नू में ज्यादा टॉल कौन है, ये तो मुझे क्वेश्चन ने बताया ही नहीं। क्वेश्चन ने कह दिया कि भरत चंद्र से ज्यादा टॉल है और तनु भी चंद्र से ज्यादा टॉल है, पर ये तनु और भरत इन दोनों में से ज्यादा टॉल कौन है ये तो मुझे पता ही नहीं चल सकता, तो मैं यहाँ पर डैश डाल रहा हूँ। यही एक चीज है जहाँ गलती होती है, यहाँ पर आप एज्यूम कर लेंगे, आप तनु को बीच में डाल दोगे या तनु को सबसे आगे डाल दोगे, बट रिमेम्बर क्वेश्चन ने आपको भरत और तनु की हाइट के बीच में कोई रिलेशन बताया ही नहीं है, उसने सिर्फ ये बता दिया कि चंद्र से ज्यादा टॉल है भरत और चंद्र से ज्यादा टॉल है तन्नू, पर इन दोनों में से ज्यादा टॉल कौन है ये तो हमें पता ही नहीं चला। यही पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इस स्टेटमेंट को भी मैंने लिख लिया, आगे चलते हैं। द ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट। अभी तक तो मुझे ओल्डेस्ट पता ही नहीं चला, तो मैं कैसे ओल्डेस्ट या शॉर्टेस्ट में कुछ लिख सकता हूँ। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, थर्ड हम अभी नहीं कर सकते। The youngest would be fourth if the children stood in a line according to their height and one started counting from the tallest. Again, अभी मैं इसको ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मुझे youngest पता नहीं चला है, तो जब पता चल जाएगा तो देखते हैं। भरत is younger than ऋतु, भरत is younger than ऋतु, तो ऋतु और भरत, but older than चंद्र। भरत इज यंगर देन ऋतु बट ओल्डर देन चंद्र। भरत कौन ओल्डर है चंद्र से? भरत। ठीक है, तो चंद्र पीछे आ जाएगा। हु इज ओल्डर देन श्रुति, और जो चंद्र है वो श्रुति से भी ज्यादा ओल्ड है, तो श्रुति। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं एज वाले को कंबाइन कर सकता हूँ? ये श्रुति है और ये श्रुति है, तो हाँ एज वाला तो हम कंबाइन कर सकते हैं। हम RBCS और बाद में A और T, मैं पीछे यहीं पे लिख देता हूँ, बस अमित और तन्नू ने बाद में आना है, तो ये अमित और ये तन्नू। देखो नाम शॉर्ट में लिखे हैं, आप देख लेना, कोई नाम कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा तो आप ढूंढ लोगे कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये तो एज की बात हो गई। अब हाइट जितनी हम ज्वाइन कर सकते हैं उतनी के लिए अभी कर देते हैं। देखो हाइट में क्या कर सकते हैं हम, ये श्रुति है, ये अमित है, ये तन्नू है, तो तन्नू के बाद सी आएगा, ये बात तो पक्की है। इसको ऐसे लिखेंगे श्रुति, या मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूं। श्रुति, अमित, तन्नू और चंद्र। अब ये बी, ये भरत कहाँ गया? अब देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या है, क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जो अमित है वो तन्नू से बड़ा है, ठीक है, हाइट में। तो हाइट के हिसाब से मैंने अमित को तन्नू से आगे रख दिया, श्रुति को अमित से भी आगे रख दिया। भरत की प्रॉब्लम ये है, मुझे बस ये चीज पता है कि भरत चंद्र से ज्यादा बड़ा है, मगर बाकियों से भी तो ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन ने ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि वो तन्नू से ज्यादा बड़ा नहीं है या अमित से ज्यादा बड़ा नहीं है या श्रुति। ये तो क्वेश्चन ने कहीं क्लैरिफाई नहीं किया कि भरत की एग्जैक्ट हाइट क्या है, क्योंकि उसने बस ये बोला है कि भरत इज टॉलर देन चंद्र। अगर भरत चंद्र से ज्यादा टॉल है और फिर अपर लिमिट तो बताई नहीं गई, वो तो फिर सबसे ज्यादा टॉल भी हो सकता है या वो इनके बीच में भी कहीं आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे को अभी क्लैरिटी है नहीं कि मैं भरत को इनमें से कहाँ डालूं, यही इसीलिए मैंने स्लैश डाला था। तन्नू का तो बहुत क्लियरली बता दिया गया कि तन्नू से ज्यादा टॉल है अमित, ये हमने पहली लाइन से ही ले लिया था, अमित इज टॉलर देन तन्नू, तो तन्नू से ज्यादा टॉल कौन है ये बता दिया। मगर भरत किससे ज्यादा टॉल है? चंद्र से। अब चंद्र के बाद तो कई सारे लोग हैं, उनमें से किससे ज्यादा टॉल है ये तो बताया ही नहीं। तो अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि मैं अभी भरत को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को पता ही नहीं कि इनमें से कहाँ डालूं। वो चंद्र से ज्यादा टॉल है ये बात पता है, पर क्या तन्नू से ज्यादा टॉल है या नहीं? अगर है तो इसके आगे आएगा, फिर हो सकता है अमित से भी ज्यादा टॉल हो और श्रुति से भी ज्यादा टॉल हो, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते अभी, इसीलिए इसको यहीं छोड़ देंगे अभी के लिए। पर हमने जो स्टेटमेंट्स छोड़ी थी, हमने फिफ्थ भी प्लॉट कर ली थी। अब आते हैं इनमें से किसी पे कि क्या हम कुछ इनमें से प्लॉट कर पा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है द ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट। खैर अभी तक हम एज वाला पूरा, हाइट वाला पूरा कर ही नहीं पाए, तो हम शॉर्ट वाला पार्ट भी अभी छोड़ देते हैं। द ओल्डेस्ट इज द शॉर्टेस्ट, मतलब ओल्डेस्ट कौन है? ऋतु। ऋतु ही सबसे ज्यादा शॉर्ट है, ये बात मेरे को पता चल गई, तो सबसे पीछे लाइन में ऋतु ने आना है। ये चीज क्लियर हुई हमें यहाँ से, इस लाइन से। The oldest is the shortest. Oldest is obviously according to your age. आप old होते हो age के हिसाब से. तो जिसकी सबसे ज्यादा age है वो सबसे ज्यादा short है. वो line में सबसे ज्यादा पीछे है. तो मैंने सबसे पीछे ऋतु को लिख दिया. ठीक है. अब सबसे पहले देखो बच्चे कौन कौन. एक भरत बच्चा है. भरत का मुझे पता है कि वो यहाँ कहीं आएगा. भरत यहाँ से कहीं आएगा. भरत की प्रॉब्लम यहाँ है. और एक जो नाम बच गया मेरे पास वो बच गया भरत. The youngest would be the fourth होएगा ना. Whole line रहेगी. हाँ मैं एक सेकंड में वही देख रहा हूँ. नाम ढूंढ रहा हूँ मैं. बच्चा कौन सा है. ऋतु भरत चंदर. भरत चंदर ऋतु श्रुति अमित. कौन रह गया. RBCSAT. हाँ ठीक है 6 ही तो लोग हैं. तो हो गया. कोई नहीं बचा. सारे प्लॉट हो गए. वैसे हमें फोर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ी पर एक बार चेक करने के लिए आप फोर्थ फिर भी देख लें. द यंगेस्ट. यंगेस्ट कौन होता है. एज. एज के हिसाब से द यंगेस्ट वुड बी फोर्थ इफ द चिल्ड्रन स्टूड इन अ लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. जो यंगेस्ट है. यंगेस्ट कौन है हमारे पास. तन्नू. तन्नू को अगर एज वाली हाइट वाली लाइन में खड़ा किया जाए. अगर हाइट वाली लाइन में ये खड़े हों अकॉर्डिंग टू देयर हाइट. अगर सब बच्चे खड़े हों तो स्टार्टिंग से गिना जाए तो तन्नू ने फोर्थ होना है. ठीक है. तो तन्नू कहाँ आएगी. अभी देखो अभी क्या है 1 2 3. तो मतलब भरत तन्नू से ज्यादा लंबा है. ये बात मुझे पता चल गई. तभी तो तन्नू फोर्थ होगी. अगर भरत तन्नू से शॉर्ट होगा तो फिर तो तन्नू थर्ड हो जाएगी. मगर तन्नू को फोर्थ होना है. तो ये बात भी कंफर्म होगी कि भरत तन्नू के बाद तो नहीं आएगा. तन्नू से पहले ही आएगा. पर अभी भी ये याद रखना. अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि अमित और श्रुति के बाद ये कहाँ आएगा. ठीक है. हो सकता है सीधा अमित के बाद आ जाए या अमित और श्रुति के बीच में आ जाए या श्रुति से भी आगे आ जाए. भरत का वेरिएबल रैंक है वो हमें बताया ही नहीं गया तो हम उसे वेरिएबल ही छोड़ेंगे. आप ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे. इसीलिए मैंने कहा कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उतनी प्लॉट करना. अपनी तरफ से हम गलती लॉजिकल रीजनिंग में ये करते हैं. हम अपनी तरफ से एक एजम्पशन डाल देंगे. इस लाइन में वो एजम्पशन डालने की गलती की जाएगी. भरत इज टॉलर देन चंदर हु इज नॉट एज टॉल एज तन्नू. तो इस लाइन में बस ये बात बोली गई कि भरत चंदर से ज्यादा टॉल है और तन्नू भी चंदर से ज्यादा टॉल है. पर हम गलती से ऐसा कर देंगे कि भरत को सबसे आगे कर देंगे और तन्नू को मिडिल में कर देंगे. ऐसा नहीं करना है आपने. क्योंकि उसने बस यही बताया है कि ये दोनों चंदर से ज्यादा टॉल है. इन दोनों में से ज्यादा कौन टॉल है ये नहीं बोला. तो आप भरत को वेरिएबल रैंक पे ही छोड़ोगे. अब यहाँ हमारा जो हाइट का ड्रॉ हुआ है लाइन वो ऐसे ड्रॉ हुई है. श्रुति अमित तन्नू और इनमें से यहाँ कहीं जो वेरिएबल होता है उसको ऐसे प्लॉट कर लेना. इनमें से कहीं भरत आएगा. या तो वो अमित और तन्नू के बीच में आ सकता है. वो यहाँ आ सकता है या वो सबसे आगे भी आ सकता है. इनके बाद है चंदर और लास्ट में है ऋतु. ये हमारा फाइनल हाइट के हिसाब से लाइन बनी. और एज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एज में तो फिक्स्ड रैंक्स मिले हमें तो हमने फिक्स्ड रैंक के हिसाब से ड्रॉ कर दिया. कोई प्रॉब्लम आई नहीं. ठीक है. अब जब हमारे रैंक्स दोनों ड्रॉ हो चुके हैं तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट. अब देखो सबसे ज्यादा टॉल कौन है. यहाँ श्रुति है पर भरत का वेरिएबल रैंक है. या तो श्रुति या तो भरत. मैं श्योरली नहीं बोल सकता. अब ऑप्शंस देखना इस केस में. डेटा इनएडिक्वेट भी एक ऑप्शन आपको मिला है और श्रुति भी मिला है. श्रुति को टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा और नन ऑफ दीज को टिक कर दिया तो भी गलत हो जाएगा. क्योंकि बेस्ट ऑप्शन ये है हमारा डेटा इनएडिक्वेट है ये बताने के लिए. आंसर है डी. देखो नन ऑफ दीज तब सिलेक्ट करोगे जब आपको श्योरली पता है कि कौन सा आदमी टॉल है और वो इस लिस्ट में ना दिखे आपको. पर मेरे को तो पता ही नहीं ना कि कौन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है तो मैं तो डेटा इनएडिक्वेट ही सिलेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है. डेटा इनएडिक्वेट आंसर डी है इसका. हु इज ओल्डर देन तन्नू बट यंगर देन श्रुति. कौन है ऐसा जो तन्नू से ज्यादा ओल्ड है और श्रुति से ज्यादा यंग. अमित. अमित श्रुति से यंग है तन्नू से ओल्ड है. उन दोनों के बीच में है ये. आंसर सी अमित. ठीक है. Which of the following statement is definitely true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉर श्योर ट्रू है. भरत इज द मोस्ट ओल्ड पर्सन. तन्नू हैज द मैक्सिमम हाइट. अमित इज ओल्डर. पहले मेरे को एक बात बताओ. आप सबने ये जो रैंक्स हैं ये ड्रॉ करे हैं ना अपने नोटबुक्स में. क्योंकि मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ फिर मेरे को वापस आना पड़ता है. ये ड्रॉ किया हुआ है ना, फिर आप अपनी नोटबुक से देख करके आंसर करो। हाँ, इनमें से बताओ कौन सी फॉर श्योर ट्रू है। डी पार्ट। तो हमारा आंसर डी ही है। ठीक बोला निकेत आपने। Which of the following is the correct order of height in descending order? Descending order क्या होता है? सबसे टॉल से शॉर्ट पे जाते हुए। तो सबसे टॉल से जब शॉर्ट पे जाओगे तो कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? हाइट का। ई पार्ट। डेटा इनएडिक्वेट। ई है। हमें पता ही नहीं था कि सबसे ज्यादा टॉल श्रुति है या भरत है, इसमें कंफ्यूजन थी। तो यहाँ कोई भी स्लैश वाला ऑप्शन ही नहीं दिखता हमें। ई पार्ट डेटा इनएडिक्वेट। इसका और क्वेश्चन, हाँ, whose rank in height cannot be positioned definitely? भरत। कौन सा आदमी है जिसकी हाइट का हमें फॉर श्योर नहीं पता? वो है भरत। आंसर है बी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझाता है कि वेरिएबल रैंकिंग होता क्या है और वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वेरिएबल रैंकिंग यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक आदमी के बारे में बस बोल दिया जाता है कि वो चंद्र से ज्यादा टॉल है, पर उसके बाद ये नहीं बताया जाता कि बाकी तीन के साथ उसका क्या रिलेशन है। फिर एक पॉइंट में हमें ये पता चल जाता है कि उसको तन्नू से भी ज्यादा टॉल होना पड़ेगा, बट स्टिल दो के साथ तो अभी भी कंफ्यूजन है कि इन दो के साथ इसकी हाइट का क्या रिलेशन है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अपलोड कर दूंगा बाद में, या तो ड्राइव पे या मे बी ऑन यूट्यूब, ताकि आप बाद में ये स्पेसिफिक क्वेश्चन तो देख पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम में सेम यही तन्नू भरत यही आ जाएंगे। एग्जाम में ऑब्वियसली नाम दूसरे ही आएंगे, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट यही लगाना है। आपको ये चीज सीखनी है कि क्वेश्चन हमें जो इन्फॉर्मेशन दे हम सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लें। हम गलती ये कर देते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई असम्पशन भी डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी के लिए इस वाले क्वेश्चन को छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वाला आप कर पाओगे। Read the following information and answer the question given here after choosing the best alternative. करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए लेकिन अब आंसर क्या डी है? ई नन। डी। आंसर सी गौरी। अभी देखते हैं आपका क्यों नहीं आया, बाकी सब एक बार कर लें। आपने अगर डी बोला है तो मतलब आप कह रहे हो दो लोगों में कंफ्यूजन है कि कौन होंगे। आपके हिसाब से कौन दो हैं जिनमें कंफ्यूजन हो रही है? स्टार्टिंग में क्योंकि लिखा है सुनीता इज टॉलर देन सीमा एंड रेनू, लेकिन सीमा और रेनू में से कौन, पर सिर्फ इस वजह से थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो सुनीता इज टॉलर, आपको इन दोनों से ज्यादा टॉल तो मिली गया ना, कंफ्यूजन हो भी रही होगी तो छोटे वालों में हो रही है। क्वेश्चन है हु इज द टॉलेस्ट, तो आप टॉलेस्ट वाले में देखो ना कंफ्यूजन है या नहीं। बीच में कंफ्यूजन है, मेक्स नो डिफरेंस। मतलब अगर कंफ्यूजन ऐसी है कि सुनीता आगे खड़ी है और उसके पीछे सीमा या रेनू, इसमें प्रॉब्लम है, तो ये तो शॉर्टर वालों में प्रॉब्लम आ रही है ना। आपको आपको बताना है हु इज द टॉलेस्ट। ओके सर। तो मतलब तनिष ड्रॉ नहीं किया था, तुम इससे थोड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सुनीता इज टॉलर देन, एक सेकेंड, सुनीता इज टॉलर देन सीमा रेनू. हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन है अभी सीमा और रेनू में, पर ये छोटे हैं ना उससे. उसने क्वेश्चन पूछा हु इज द टॉलेस्ट. सुनीता टॉल है सीमा से और रेनू से, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है ना. अभी के लिए जो आपको मिलता है उसको आप लिख दो. रेनू इज शॉर्टर देन राधा एंड गौरी. अब अगेन यहां हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि बाकियों का क्या रिलेशन है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं. रेनू इज शॉर्टर देन राधा एंड गौरी, तो ये राधा और गौरी ये दोनों टॉल हैं किससे, रेनू से. अभी हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ से, क्योंकि ये इन दोनों में से ज्यादा टॉल कौन है, फिर इन चारों में से ज्यादा टॉल कौन है, कुछ पता ही नहीं. बस ये पता है कि रेनू छोटी है, पर इनमें क्या हो रहा है कुछ हमें समझ नहीं आ रहा. बीना इज टॉलर देन राधा. बीना जो है वो राधा से ज्यादा टॉल है, तो बीना इज टॉलर देन राधा एंड शॉर्टर देन श्रुति, तो श्रुति नहीं, एंड शॉर्टर देन सुनीता. ठीक है, सुनीता बीना राधा. सुनीता इज नॉट द टॉलेस्ट एंड रेनू इज नॉट द शॉर्टेस्ट. ठीक है, यहां तक बात है. अब ये तीन है, ये भी आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगे, पर कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं. हम अगर इन तीनों को अभी ज्वाइन करने की कोशिश करें तो क्या ज्वाइन कर पाएंगे, पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं. देखो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों तो ज्वाइन होते हुए दिखते हैं. कैसे, क्योंकि यहाँ राधा है और इसकी स्टार्टिंग में राधा है, पर गौरी का कंफ्यूजन रहेगा, तो गौरी को साइड में छोड़ते हुए हम बाकी ज्वाइन करते हैं. आप सुनीता बीना राधा ये लिखो, सुनीता बीना और राधा. अब देखो जो राधा है वो बीना और सुनीता से शॉर्ट है, ये समझ आता है, पर गौरी के साथ भी स्लैश था ना. गौरी का क्या रिलेशन है, वो वेरिएबल रहेगी इनमें. गौरी का तो हमें कुछ क्लैरिटी मिली नहीं, तो गौरी वेरिएबल है. वो राधा के साथ उसका क्या रिलेशन है बताया ही नहीं गया, तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा. बट ये श्योर है कि इन दोनों से छोटी रेनू है, तो वो तो रेनू ने तो पीछे ही आना है. ठीक है, ये हमें श्योरिटी है. अब साथ के साथ ये जो सीमा है, सीमा का भी एक बहुत बड़ा डाउट था. सीमा और रेनू में भी स्लैश था कि सीमा और रेनू का क्या रिलेशन है हमें नहीं पता. इसी के लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी. अब देखो एक कंफ्यूजन आपको इन तीन में है कि गौरी इन तीनों में से कहाँ पर आएगी, क्या इधर आएगी, क्या इधर आएगी, क्या सबसे आगे आएगी, और एक कंफ्यूजन आपको रेनू और सीमा में है कि सीमा ने कहाँ आना है, उसका भी रैंक हमें नहीं समझ आ रहा. तो लास्ट लाइन यही हेल्प करेगी, सुनीता इज नॉट द टॉलेस्ट. अभी हमारी रैंकिंग में तो सुनीता ही टॉलेस्ट है, मगर जो गौरी की कंफ्यूजन थी, इसका मतलब अगर सुनीता टॉलेस्ट नहीं है तो गौरी सुनीता के भी आगे आएगी, तभी तो सुनीता टॉलेस्ट नहीं होगी. तो गौरी ने सुनीता के भी आगे आना है. गौरी का कंफ्यूजन खत्म हो गया. और लास्ट लाइन में लिखा है रेनू इज नॉट द शॉर्टेस्ट. हमें रेनू और सीमा में भी कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ, इसकी वजह से तो रेनू लास्ट नहीं हो सकती, बिकॉज रेनू इज नॉट द शॉर्टेस्ट. रेनू के बाद सीमा को आना ही पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चन आपको कुछ हद तक इंफॉर्मेशन देता है, और अगर नहीं देता तो वो भी हम वैसे ही छोड़ देते. बस हमें जो पढ़ने को मिल रहा है हम उस हिसाब से चीजें लिख रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर रहे. ठीक है, अब उसने पूछा हु इज द टॉलेस्ट, तो गौरी इज द टॉलेस्ट. Who is the shortest? Shortest कौन आया? सीमा. तो हमारे यहाँ सीमा नहीं लिखा हुआ था, तो आंसर हो गया none of these. ठीक है. What is the position of Radha from the shorter end? सबसे छोटे एंड से राधा की क्या पोजिशन है? 1, 2, 3, 4 whatever. Second होगी सर. Second. आंसर C third. राधा थर्ड ही तो हुई राधा. ये देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ही तो है. शॉर्टेस्ट एंड से गिन रहे हो ना, सीमा फर्स्ट है, रेनू सेकंड है और राधा थर्ड है, ठीक तो है? थर्ड आंसर सी. Which of the statements is definitely correct? Beena occupies the third position from the top. क्या ये statement correct है? अगर आप tallest से गिनो तो क्या बीना थर्ड आती है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो फिर इसी को करेक्ट हो जाना चाहिए अगर ए ही है तो फिर बाकी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ. हाँ आंसर ए ही है, बाकी फिर फॉल्स भी होंगी. सीमा इज टॉलर देन रेनू, क्या ये ट्रू है? इसको फॉल्स ही होना पड़ेगा. गौरी इज शॉर्टर देन राधा, ये भी फॉल्स है क्योंकि गौरी सबसे टॉलेस्ट है. नन ऑफ द अबव का कोई मतलब ही नहीं बनता बिकॉज हमारा ए ट्रू हो गया था. ठीक है, तो ये भी इसीलिए रह जाएगा.